नई शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर हमीरपुर में लोगों ने सराहना की है। हमीरपुर के प्रबुद्ध लोगों से नई शिक्षा नीति को लेकर लोगों की राय जानी। शिक्षाविद विकास दीक्षित ने कहा कि नई शिक्षा नीति समय की मांग थी और सरकार ने पॉलिसी में बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति से छात्रों के साथ साथ सभी को फायदा पहुँचेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है जो कि बहुत समय से लोगों की मांग थी। हर बार इसको कंपेयर किया जाता था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्लर्क्स या वर्कर्स प्रोड्यूस करता है, तो इसमें सरकार ने बहुप्रतीक्षित जो मांग थी उसको किया है पूरा। चेंजेस इसमें लाए गए हैं, बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी हैं। जिन भी चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, अभी इन पे कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि इनके जो फ़ायदे और नुकसान हैं वो आने वाले समय में हमें पता चलेंगे। लेकिन जैसा कि पहला एक पॉइंट स्कूल्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट आया है कि अब ट्वेल्थ जो है वो ग्रेजुएशन क्लास गिनी जाएगी, तो आई थिंक ये एक पहले वाला सिस्टम है जिसको दोबारा अडॉप्ट किया जा रहा है। परंतु इसमें कुछ एक चीज़ें अच्छी भी हैं जिनको मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स के लिए जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अप टू 3 ईयर्स के बच्चों के लिए, तो वो एक बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और बच्चों की प्रिपेयर्डनेस कितनी रहती है जब वो स्कूल एंटर करते हैं, ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि वो घर से कितना प्रिपेयर होके उस स्कूल में एंटर करते हैं। क्योंकि स्कूल के पास बच्चे डिफरेंट घरों से, अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, तो उनकी जो बिहेवियर होता है, उनकी जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये इसमें बहुत हेल्प करेगा, मुझे लगता है ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा इसमें इन्होंने टीचर्स की जो एक अथॉरिटी है उसको चेंज किया है कि वो पूरे भारतवर्ष में एक जैसा बनाया जाएगा, और जहाँ तक इसको पढ़ने के बाद समझ आता है तो कहीं ना कहीं वन कंट्री वन बोर्ड की पॉलिसी की तरफ मुझे लगता है ये एक हल्का सा इशारा है गवर्नमेंट का, क्योंकि बोर्ड की डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अभी भी CBSE के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आए थे तो उसमें भी इवन एक्सपर्ट्स ने भी क्वेश्चन उठाए थे कि हाउ अ स्टूडेंट कैन अटेन 100% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, तो वो जो डिस्पैरिटी है शायद उसकी तरफ भी, उसको भी, उस खामी को भी दूर करने की इन्होंने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कैन बी कॉल्ड एज अ मिक्सचर ऑफ अमेरिकन, ब्रिटिश एंड सिंगापुरियन एजुकेशन सिस्टम, जो माना हुआ सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, और साथ ही साथ में अपना एक इंडियन फ्लेवर, जैसा कि अपनी मातृभाषा को पढ़ाने का जो एक प्रायोरिटी है जो सेट की जा रही है, तो वो भी अपना फ्लेवर भी इसमें ऐड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है और इसके जो अच्छे और जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमें जल्दी ही पता चलेंगे, लेकिन अभी के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी लगता है कि काफ़ी सोच समझ के उठाया हुआ कदम है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर काम किया है, तो आई बिलीव कि इट विल बेनिफिट द स्टूडेंट्स टू द मच एक्सटेंट, और जो जिस फील्ड में जो जाना चाहता है, क्योंकि एक चीज़ और इसमें पॉइंट थी कि 8th to 11th स्टूडेंट्स कैन चूज देयर सब्जेक्ट्स, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज सब बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं होते हैं, सब बच्चे साइंसेज में अच्छे नहीं होते हैं, तो वो डिपेंड करता है बच्चे का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, अगर वो उसको चूज़ करने को मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और यही ह्यूमन बिहेवियर भी रहता है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा लाइक करते हैं, उस फील्ड में हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा एक कदम है। तो आई बिलीव कि दिस पॉलिसी विल वर्क वंडर्स। छात्रा कृतिका का कहना है कि नई शिक्षा नीति से छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छात्र परेशानियां भी झेल रहे थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति से छात्र खुश हैं। ये पॉलिसी हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज एज एजुकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड, तो हमें भी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज अभी जिस तरह से एजुकेशन चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे यहाँ पे, वो उस चीज़ से ये थे कि हम कैसे करें, बहुत डिफ़िकल्टी थी एजुकेशन सिस्टम में, बहुत सारे प्रोसेसेस थे, लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी से डायरेक्ट हमें हर चीज़ को हर डायरेक्ट हमें पता है कि व्हाट आई हैव टू डू और व्हाट नॉट, सो इट्स गुड। एडवोकेट अमित कुमार का कहना है कि सरकार का बढ़िया निर्णय है और इससे भविष्य में अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि छात्रों के एडमिशन पर आरक्षण चलता है। जी सर, देखिए, एक मैं तो कहूँगा कि ये जो एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत बढ़िया डिसीजन है हमारी सरकार द्वारा। इसमें एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह रहेगा कि जैसे
पहले हम एमए करने के बाद हमें एमफिल करना पड़ता था, उसके बाद हम पीएचडी में जाते थे, अब हमें डायरेक्ट जो है पीएचडी में जो है वो मतलब एक तरीके से स्थान मिलेगा। दूसरा इसमें जैसे हमारी जो डिग्री थी, अगर आप एक साल का करेंगे उसमें आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, वो एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा छात्रों के लिए। अगर किसी ने डिप्लोमा ही लेना हो तो वो एक साल या दो साल करके जो है डिप्लोमा ले सकता है। अगर किसी ने चार साल वैसे डिग्री में लगाता है तो उसको एमए में सिर्फ एक साल ही लगाना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के ये पॉलिसी जो है वो स्टूडेंट हित में है और एक अच्छी पॉलिसी है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर का कहना है कि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव का स्वागत करते हैं और अब पॉलिसी में बदलाव किया है जो कि सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सकारात्मक बदलाव लाया है जो कि अच्छी बात है। देखिए एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंज सरकार द्वारा किया गया है हम उस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि लास्ट बार 1986 में जो था वो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ था और थोड़ा सा संशोधन इसमें 92 में हुआ था जब नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इतने समय के बाद अब जो चेंज हुआ है ये सराहनीय कदम है सरकार का। और जो देखिए पहले मेजर माइनर तो अब भी रहेंगे, लेकिन अब हमारे जो छात्र समुदाय है उनके लिए एक फ़ायदा ये हो गया है कि हम लोग जैसे अपने सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स रखते थे तो साथ में हम म्यूज़िक भी पढ़ सकते हैं कोई और, तो ये बहुत अच्छा और समय के साथ बदलाव वाली जो नीति जो बदली है हम इसका बहुत अच्छा ढंग से हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरह के सकारात्मक जो बदलाव जो हैं वो इस नीति में ये लेकर आए। स्थानीय निवासी उमेश का कहना है कि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव बहुत बढ़िया निर्णय है और इसमें पहले एमए करने के बाद एमफिल करना पड़ता था, लेकिन अब एमए के बाद एमफिल में जगह मिलेगी। कुल मिलाकर बदलाव से सभी को फायदा मिलेगा। बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का, इससे जो अच्छे छात्र हैं जिन्हें एडमिशन लेने में दिक्कत होती थी और जो जिनका पैसे के दम पे एडमिशन ले लेते थे, अब एंट्रेंस कर दिया तो उससे जो अच्छा नतीजा आएगा, और कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का। बस इस पर ऐसा है, एक थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका एक आरक्षण नीति है उसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए, और बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। और ये जो आपकी बाकी जो हायर एजुकेशन में है जिसमें आपने एमफिल ख़त्म कर दी है और एमए एक साल की कर दी है, वो तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एमफिल का तो वैसा था कि बस क्या बोले, क्योंकि जो भी होता है काम आपका वो पीएचडी में होता है, आपकी जो भी मतलब आपकी थीसिस वगैरह होते हैं जो भी आपने करना होता है वो पीएचडी में आता है, तो एमफिल का तो एक ऐसा था बस दो साल बढ़ाने वाला काम था। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और मैं इसके समर्थ में हूँ।